आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे द लॉस्ट चाइल्ड व्हिच इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद. एज द टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट यू दैट अ चाइल्ड वाज लॉस्ट समवेयर. अब हमें ये देखना कि वो बच्चा कहाँ खो गया, कैसे खो गया, तो ये सब तो हम चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा. हम इसके डिफिकल्ट मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. यानी कि ये बसंत का त्योहार है और from the wintry shades of narrow lanes की थोड़ा थोड़ा बसंत के टाइम पे थोड़ी थोड़ी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सर्दी का मौसम स्टार्ट होने का थोड़ी स्टार्टिंग सी ही होती है. तो कह रहे हैं फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, यानी कि भीड़े भीड़े तंग रास्तों पर, एंड एलेज अमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, और एलेज मतलब तंग गलियों से लोग जो बहुत खुश जोली स्वभाव के लोग, यानी कि खुश चेहरों के लोग वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे, प्रतीत हो रहे. सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस, कोई पैदल चल रहा है, कोई घोड़ों पर चल रहा है, बा कोई बैठा है, कोई बींग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स, कोई उसमें बैलगाड़ी में वहां पर बैठ कर वहां से जा रहा है. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और एक छोटा लड़का अपने पापा के पैरों के बीच से खुशी से लबालब होते उछलते कूदते हुए हंसते हुए वहां से चल रहा है, ठीक है, उसी रास्ते पर. Come child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब ये सब लोग जा कर रहे हैं, उस फेयर में जा रहे हैं जो उनके गांव के आसपास जो मेला लगा उसमें जा रहे हैं. अब उसके पेरेंट्स उसको बार बार उस लिटिल बॉय को बोलते हैं कि बेटा जल्दी आओ, क्योंकि वो बार बार उनसे पीछे रह जाता है. किस वजह से पीछे रह जाता है, क्योंकि उस रास्ते में जो उसको टॉयज दिख रहे हैं मेले में जाते टाइम जो शॉप्स लगी हैं उन पर, उन टॉयज पर, उन शॉप पर उन टॉयज को देखकर वो फैसिनेट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है. ही हरेड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स स्वीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. यानी कि वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग कर जाता है, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं उसके जो पैर हैं वो आज्ञा अनुसार जैसे उनके पेरेंट्स उसको बाज देते हैं वो उनकी तरफ बढ़ लेता है, और उसकी जो नजरें हैं वो रुक रुक कर पीछे जो जो टॉयज रह जाती है उनकी तरफ वो पीछे हटते उनको देखता रहता है, यानी कि आगे बढ़ रहा है लेकिन देखता कहाँ जा रहा है, उन टॉयज की तरफ पीछे देखता जा रहा है. एज ही केम टू वेयर दे हार्ट स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज. कह रहे ऐसे लग रहा है जैसे कि वो जहाँ से आया था और जहाँ पर वो रुके थे थोड़ी देर, वो रुका था, वो अपने जो उसकी इच्छाएं हैं वो उनको दबा नहीं सकता अपने दिल में, लेकिन यहाँ उसको ये भी पता है कि उसके माता पिता उसको आंखों से ही मना कर देंगे, वो उसको वो चीज़ें नहीं दिलाने वाले हैं. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड, उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये वाला खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईड इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे, और उसके पापा उसको फिर से उनकी अपनी लाल आंखों से घुराते हुए गुस्से की जैसे वो हमेशा अक्सर उसको देखते हैं वैसे उन्होंने उसकी तरफ देखा. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" लेकिन उसकी माँ थोड़ी कोमल स्वभाव की होती है, वो उसको कोमल स्वभाव की, वो उसको अपनी उंगली पकड़ा कर कहती, देखो बेटा तुम्हारे लिए आगे क्या है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब उसके सामने क्या था, सरसों के खेत जो कि पीले फूलों से लबालब थे, भरे हुए थे, और वो काफी मीलों तक फैले हुए थे वो खेत. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. और फिर ड्रैगन फ्लाइज मतलब तितलियों का झुंड इधर उधर उड़ते हुए अपने, यानी कि यहाँ पे गोडी पर्पल विंग्स क्या है, यहाँ पर पर्पल कलर के फ्लावर्स के ऊपर अपने चमकते हुए पर्पल कलर के
विंग्स के साथ वो इधर उधर घूम रही हैं, और जैसे ब्लैक बी और बटरफ्लाइज है वो मानो कि फूलों में रस को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रही हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द रेस इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब बच्चा क्या करता है, वो लड़का उनको फॉलो करता है कि उनको पकड़ने की कोशिश करता है जो कि इधर उधर घूम रही हैं, और फिर वो वेट करता है कि वो अपने पंखों को रोककर उसके पर बैठना जाए और फिर वो उनको पकड़ लेगा, ऐसा वो सोचता है, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। लेकिन जैसे वो उनको लगभग पकड़ ही लेता है, उससे पहले वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर वहां से उड़ जाती है आसमान में। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ पाथ। फिर उसकी मदर उसको आवाज लगाती है, मानो कि वो उसको सतर्क करना चाहती है कि चलो चलो बेटा फुटपाथ पर आ जाओ। ऐसे खेतों में चला जाता है वो तुम तितली के पीछे, इसलिए उसको बुलाती है वो। ही रैन टुवर्ड्स स्पिरिट्स गैली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अटैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। अब वो जैसे उसकी मदर बुलाती है, वो हंसते हो उछलते कूदते वो वहाँ पर उनसे उनके बराबर उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से बहुत जल्द वो फिर से पिछड़े जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे लिटिल छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वॉर्म्स हैं, इनके कीड़े हैं मच्छर वगैरह, वो इनसे अट्रैक्ट होकर जो फुटपाथ पर उनके साइड में चल रहे हैं वो अपने कहाँ से आते हैं, वो अपने छुपे हुए जो हाइडिंग प्लेस है जहाँ पर वो छुपते हैं वहाँ से निकल कर वो झुंड में आते हैं, और वो उनसे अट्रैक्ट होता है, उनसे फिर से पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। फिर उसके पेरेंट्स फिर से आवाज लगाते हैं, जो कि वह कहाँ पर बैठे थे, जो पेड़ों की छाव में उस कुएं की एज पर किनारे पर वो बैठते हैं, और वहाँ से वो उसको आवाज लगाते हैं जल्दी आ जाते, फिर वो भाग कर उनकी तरफ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove and forgetting his parents. और जैसे ही वो उन वृक्षों के झुंड की तरफ जाता है, उसके ऊपर क्या गिरते हैं, फूलों का ढेर उसके ऊपर गिर जाता है, और वो फिर अपने पेरेंट्स को भूल जाता है जैसे वो उसमें वहाँ पर ग्रोव में एंटर करता है। He began to gather the raining petals in his hand. और फिर वो क्या है, उन पत्तों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है जो कि जैसे बरस रहे पेड़ से गिर रहे हैं उनको। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. और फिर वो dove एक bird होता है सुंदर सा white color का, उसकी cooing यानी कि उसकी आवाज sound करने की जो आवाज करता है वो उसकी sound उसको सुनाई देती है, और फिर वो भागते अपने parents को बोलता है देखो dove dove, और फिर जो उसके हाथों में जो petals उसने इकट्ठे किए थे वो गिर जाते हैं। Come child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. वो फिर से उसको आवाज लगाते हैं अपने बच्चे को, जो कि इधर उधर उन खेतों में उन जंगलों की तरफ वो भागता है, कभी banyan tree की तरफ, और वहाँ से पत्ते इकट्ठे करता है, कभी कुछ, and gathering him up, they looked the दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और फिर उसको इकट्ठा करते हैं, वो एक तंग सा रास्ता जो फुटपाथ है उसके ऊपर चलते हैं, ताकि विच लेड टू द फील्ड, जो कि किसकी तरफ जाता है, मस्टर्ड फील्ड यानी कि सरसों के खेतों की तरफ जाता है। एज इन नियर द विलेज द चाइल्ड कोज कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कवरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंड। और जैसे ही वो उस मेले जिस गांव में मिलने लगा उस गांव की तरफ पहुंचते हैं, उस बच्चे को बहुत सारे फुटपाथ दिखाई देते हैं फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कवरिंग टू द वर्ल्ड फुल ऑफ फियर, और जिसपे क्या है फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स मतलब वहां पर बहुत सारी दुकानें स्टोल्स वगैरह सब लगे, यानी कि भड़कीला सा चमकीला सा लगता है वो, और वहां पर कवरिंग कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड फुल ऑफ द फियर, ऐसे लगा कि वहां से मेले की शुरुआत हो रही है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और एक बार तो वहां से क्या है थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकता है और अट्रैक्ट होता है उसके मेले की चकाचौंध को देखकर। अ स्वीट मीट सेलर हॉक गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज
counter at the foot of an architecture of manly colored sweets decorated with leaves of silver and gold. और स्वीट मीट सेलर यहाँ पर क्या मिठाई वाला जोर जोर से आवाज लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। और जस्ट कहाँ पर है, मेले की एंट्रेंस में बिल्कुल कॉर्नर पे वो शॉप लगी है, और वहाँ पर उन चीजों को एक पर्टिकुलर वे से उनको मिठाइयों को उसने सजाया, जिसकी वजह से हर कोई उनको देखकर अट्रैक्ट होता है, जिन पर सिल्वर की और गोल्ड की परत उन पर चढ़ी हुई है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब उस लड़के की आंखें, बच्चे की आंखें खुली की खुली रह जाती, इतनी सारी मिठाइयों को देखकर, और वो अपने उसके मुंह में पानी आ जाता अपनी फेवरेट मिठाई को देखकर। कौन सी उसकी फेवरेट मिठाई? बर्फी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। वो धीरे से बुदबुदाता है कि मुझे बर्फी चाहिए, लेकिन जैसे कि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको ये नहीं दिलाएंगे, उसकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, और उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे तुम तो भूखे हो, लालची हो, तो उसको दिलाने वाले तो है नहीं, तो उसको ये सब पता है, इसलिए वो बिना कुछ मांगे, बिना उसका इंतजार किए, वो बिना किसी आंसर के आए वहाँ से चल देता है। अ फ्लावर सेलर हॉक, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन, ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड आई वॉन्ट दैट गार्डन। फिर एक फूल बेचने वाला वो वहां पर चलाता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, तो बच्चा अपने आपको रोक नहीं पाता वहां पर जाने से, और फिर वो उनकी तरफ उसकी फूलों की टोकरी की तरफ वो आगे बढ़ता और देखता कि वहां पर फूल एक दूसरे के ऊपर लबालब भरे हुए हैं, फिर थोड़ा थोड़ा वो आधा सा बुदबुदाता है, आई वॉन्ट दैट गार्डन, मुझे ये हार चाहिए फूलों वाला, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम those flowers because they would say they were cheap. अब उसको जैसे कि पता था उसके पेरेंट्स उसको ये भी नहीं दिलाने वाले, वो उसको यही मना करेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, उसको मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और वो बिना उसका जवाब आए वहाँ से फिर से चल देता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, द चाइल्ड वाज सिंपली कैर्ड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम। और फिर एक आदमी एक बैम्बू स्टिक लेकर, एक पोल लेकर, लकड़ी की छड़ी लेकर, उस पर रंग बिरंगे गुब्बारे टंगे हुए, येलो कलर, रेड कलर, रेड, ग्रीन, पर्पल, ये सब तरह के जो कि वहाँ से इधर उधर उड़ रहे हैं, तो उस बच्चे का मन करता है उसको रेनबो कलर के इंद्रधनुष के रंगों के उनको गुब्बारों को देखकर उसका मन करता है कि मैं इनको ले लूँ, और उसके अंदर में बहुत ज़्यादा इच्छा जाग जाती है उन सबको लेने की। बट ही वैल्यूज parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन उसको पता था कि उसके parents उसको नहीं दिलाएंगे, उसको यही कहेंगे तुम इतने छोटे बच्चे नहीं जो इन ऐसे खिलौनों से खेलोगे, तो बिना उसका आंसर पाए वो वहाँ से चल देता है। So he walked on farther. इसलिए वो और आगे बढ़ता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful band like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. फिर आगे क्या, एक सपेरा होता है जो कि अपनी बीन से, अपनी फ्लूट से उस स्नेक को, वो जैसे उसको बजाता है तो स्नेक अपने आप को, फ्लूट को बजाता है, स्नेक अपने आप को कॉइल करता है और स्वैन की तरह अपनी नेक को मूव करता है, और उससे वो अट्रैक्ट हो जाता है चाइल्ड, और वो वहाँ पर उसको उसके स्नेक चार्मर और उसके स्नेक के जो शो है उसको वो देखना चाहता है। While the music stole into it, और जैसे ही वो म्यूजिक उस स्नेक के कानों में जाता है, जैसे कि हम पानी में पत्थर मारते हैं और उसकी वो जो तरंगे निकलती है, वैसे वो तरंगे उस सांप के कानों में काम करते हैं, जिसकी वजह से वो स्वैन की तरह अपने गर्दन को मूव करवाता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्म, बच्चा उस सांप वाले की तरफ जाता है, स्नेक चार्म सपेरे की तरफ, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉस म्यूजिक एज स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। एक जैसे कि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स को यही बोले कि तुम्हें कैसा बेसुरीला सा गाना स्नेक चार्मर का सुनने जा रहे हो, फ्लूट को सुनने जा रहे हो, तो उसको ये सब पता था, इसलिए वो पहले से वहाँ से बिना कुछ बोले वहाँ से मूव कर देता है, क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे ये सब सुनने के लिए। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, अब राउंड अबाउट क्या होता है, झूला, होल वाला बड़ा वाला झूला, वो पूरा
वो देखता है उस झूले को, वहां पर होता है झूला, मैन विमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन व्हर्लिंग मोशन, स्ट्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और आदमी औरतें बच्चे सब उस पर बैठे हुए और सब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, खुशी से घूम रहे हैं वहां पर, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, जो मानो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा उनको ध्यान से देखता है, एंड देन ही मेड अ बोर्ड रिक्वेस्ट, और फिर वो एक पूरी बोर्ड रिक्वेस्ट करता है एंड उनसे अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं ये झूला झूला चलता हूँ, प्लीज फादर प्लीज मदर, अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करते हैं। देर वॉज नो रिप्लाई, उसको कोई उत्तर नहीं मिलता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो उनको अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे मुड़ता, लेकिन वहाँ पर उसको कोई नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, वो दोनों उस तरफ देखता है, दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते। ही लुक बिहाइंड, वो पीछे की तरफ देखता है, देर वॉज नो साइन ऑफ देयर, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं होता वहाँ पर। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर, और फिर वहाँ से इस मानव से सूखे गले से जोर की चीख निकलती है, और वहाँ से तुरंत एक झटके से वहाँ से भागना शुरू करता है आप जहाँ पर वो खड़ा है वहीं से, और रोते हुए अपने माता पिता को आवाज़ लगाता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, अब उसकी आंखों से बह आंसू बह रहे हैं, उसकी पूरी आंख गाल फिर पूरे आंसू ही आंसू है, और उसके अंदर पूरा डर भरा हुआ, पैनिक स्ट्रिकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर साइड हिदर एंड थिथर इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब वो क्या होता है ऐसे चिंता में भरा पूरा घबराया वो इधर उधर भागता है अपने पेरेंट्स को ढूंढते, कभी इस साइड कभी दूसरी साइड, यहाँ वहाँ वो उनको घूमता है हर डायरेक्शन में, वो कि ये नहीं जानते कि कौन से डायरेक्शन में ढूंढा जाए, वो हर डायरेक्शन में भागता रहता है। मदर फादर ही वेट, वो जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है और अपने मम्मी पापा को पुकारता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसने जो पीले रंग की जो पगड़ी पहनी है वो भी बेचारे की खुल जाती है, और उसके सारे कपड़े कीचड़ से सन जाते भर जाते। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, और वो इतनी देर से अपने माता पिता को ढूंढने के इधर उधर घूम रहा है भाग रहा है, तो आखिर में वो थक जाता है, और फिर अब वो लास्ट में इतनी जोर जोर से चिल्लाने के बाद वो सुबकने लगता है। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मेन एंड वीमेन टॉकिंग, और थोड़ी सी दूरी पर हरे हरे घास में वो देख सकता है, फिल्मी आइज मतलब रो रो के उसके आंखें पानी से भरी हुई है, आंसू से भरी, जिसकी वजह से उसको क्लियरली नहीं दिखाया, हर कुछ सब कुछ ब्लर सा दिखाई दे रहा है, इसलिए फिल्मी आइज बोला है। तो वहाँ से वो लोगों को देख सकता है कि औरतें और आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीस पीपल, और वो उन लोगों को जो बातें कर रहे हैं औरतें और आदमी उनको ध्यान से देखता है कि शायद उसको उसके मम्मी पापा दिख जाए, लेकिन उसको उसका उनका कोई सुराग नहीं मिलता। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉक, और उसका ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हंस रहे हैं बातें कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए हंस रहे, क्योंकि उसका उसमें तो कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसको लगता है कि सब लोग ऐसे ही हैं। ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, अब इस टाइम वो फिर से जल्दी से भागता है, और इस टाइम वो टेम्पल की तरफ भागता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering mother father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब वो मंदिर की तरफ जाता, बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक इंच की भी जगह नहीं है, बहुत पूरी तरह से वो congested area है, लेकिन वो बच्चा अपने माता पिता को ढूंढते हुए सुबकते हुए उस भीड़ में घुस जाता है, बिल्कुल मंदिर के एंट्रेंस के पास, तो द्वार के पास तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, मोटे पतले हर तरह के लोग एक दूसरे को कोनियाँ मार मार कर अंदर जाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और उसको वो सारे आदमी खूनी आँखों जैसे लगते हैं कि जैसे कि वो उसको मार देंगे, ऐसे ड्रावने ड्रावने से वो लोग लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके कंधों से उनके पैरों के बीच में से होते हुए वो वहाँ से अंदर उनकी भीड़ में अपने पेरेंट्स को ढूंढता था। पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, और बच्चा उनके पैरों में से रास्ता बनाने की कोशिश करता है, नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, और बेचारा उनके धक्कों की वजह से गिर जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडरफुट, ऐसा लगता है कि वो उनके पैरों की तरह कुछ नीचे कुचला गया, हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और वो बेचारा अपने जोर से चिल्ला भी नहीं पाता क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, फादर मदर वो वहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करता है। अ मैन इन द सर्चिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड
stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. और एक आदमी उसी भीड़ में से उसकी आवाज की चिल्लाने की आवाज को सुनता है, फिर वो झुकते हुए इतनी भीड़ में मुश्किल से झुकते हुए उसको बच्चे को अपने हाथ में गोदी में उठा लेता है. How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. अब वो आदमी जिसने उस बच्चे को उठाया है, वो उसको भीड़ में से बाहर लाते हुए पूछते कि तुम यहाँ पर कैसे आओ, तुम किसके बेटे हो? The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my mother. अब वो बच्चा जैसे पहले रो था उससे भी ज्यादा बुरी तरह से और रोने लग जाता है. वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. वो आदमी उसको कंफर्ट फील करवाना, उसको थोड़ा ठीक करना चाहता है, इसे उसको झूलों की तरफ ले जाता है. Will you have a ride on the horse? क्या तुम्हें इस घोड़े पे सवारी करनी है? He gently asked as he approached the ring. वो धीरे से उससे वो प्यार से उससे पूछते जैसे वो उस रिंग की तरफ जाता है. The child's throat tore into a thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चा अपने बहुत जोर से चिल्ला के सिर्फ कहता है कि मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब आदमी उस बच्चे को अब उस स्नेक चार्मर की तरफ ले जाता है जहाँ पर वो अभी भी अपनी फ्लूट बजा रहा है और उस कोबरा को वहाँ पर डांस करवा रहा है. Listen to that nice music, child. He played it. वो उसको उसे बच्चे को बोलता है प्यार से कि तुम इस प्यारे से म्यूजिक को सुनो. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched state, I want my mother, I want my father. वो बच्चा अपने कानों में उंगली डाल लेता है और कहता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए. I want. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब वो आदमी उसको बलून्स की तरफ ले जाता है, सोचता है कि शायद इसके जो अलग अलग कलर है बलून के वो इस बच्चे को इस बात से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, वो चुप हो जाएगा. Would you like a rainbow colored balloon? उससे पूछे क्या तुम्हें रंग बिरंगा इंद्रधनुष रंगों का गुब्बारा चाहिए? He persuasively asked. उसको मनाते हुए पूछता है ऐसे. The child turned his eyes from the flying balloons and just saw. बच्चा उधर से नजरें फेर लेता है और सिर्फ सुबकता रहता है. I want my mother, I want my father. वो कहता है कि सिर्फ मुझे तो मेरे पेरेंट्स ही चाहिए. The man still trying to make the child happy. लेकिन वो आदमी अभी भी उसको मतलब बेचारे को चुप करवाने की कोशिश करता है बच्चे को. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. और उसको बोर यहाँ पर का मतलब है उसको कैरेट लेकर जाना. वो उसको उस फ्लावर सेलर की तरफ लेके जाता है जो कि गेट की तरफ है. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, चाइल्ड? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? कहते क्या तुम इन अच्छे अच्छे फूलों को सूंघ सकती हो? क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए? The child turned his nose away from the basket and reiterated this sob. अब बच्चा उस बास्केट से फूलों के बास्केट से अपनी नाक दूर कर लेता ताकि वो सूंघे ना उनको और फिर से अपने सुबकना चालू कर देता. I want my mother, I want my father. वो सिर्फ उसको ये बताना चाहता कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए जो कि मुझे पहले चाहिए थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए. Thinking the woman is disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब वो बेचारे को इतना ज़्यादा उसको ज़्यादा उदास हो बच्चा, तो वो सोचते कि शायद स्वीट शॉप के पास ले जाए, जैसे स्वीट्स दिलाने के जैसे ये खुश हो जाएगा. तो वो आदमी उसको स्वीट शॉप के ऊपर ले जाता है. What sweets would you like, child? वो उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. बच्चा उस स्वीट शॉप से मिठाई की दुकान से भी अपना मुंह फेर लेता है और सिर्फ सुबकता रहता है. I want my mother, I want my father. अब वो अभी भी यही रिक्वेस्ट करके मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए. अब देखो ये वही बच्चा है जो कि जब एंटर कर रहे थे फेयर में तब वो इन्हीं सब चीज़ों की डिमांड कर रहा था जो कि अब उससे वो इंसान जो स्ट्रेंजर पर्सन है जिसने उसको उस क्राउड से बचाया था जिसका वही उससे अब उन्हीं चीज़ों के बारे में पूछ रहे कि क्या तुम्हें ये चाहिए. वो सब चीज़ें उसको दिला लेकिन इस टाइम उसको चाहिए ही नहीं है वो चीज़ें. क्यों? क्योंकि इस टाइम पर उसको वो चाहिए अपने पेरेंट्स से जो कि उसको स्टार्टिंग में उसको अपने पेरेंट्स ही बुरे लग रहे थे. क्यों? क्योंकि वो उसको वो सब चीज़ें नहीं दिला रहे थे. लेकिन अब एट द एंड उसको वही सब चीज़ें नहीं चाहिए जो कि उसको वो स्ट्रेंजर दिलवा रहा. क्यों? क्योंकि उसको इस टाइम पे क्या चाहिए? उसको अपने पेरेंट्स चाहिए. तो इस चैप्टर के थ्रू राइटर क्या करते हैं कि हमारी जो डिमांड्स होती है वो तो तब कब तक होती हैं? जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे पास. जब हमारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. तो ऐसा ही इस चैप्टर में शो हुआ कि इस बच्चे को जब तक उसके पेरेंट्स वो सब चीज़ों की डिमांड करता जैसे ही उसके पेरेंट्स वहाँ से गायब हो जाते उसको गुम हो जाते हैं तो उसकी सारी इच्छा इन चीज़ों की जो उसकी पहले थी जितना ज़्यादा वो पहले फैसिनेट था जितना ज़्यादा पहले क्यूरियस था इन चीज़ों को लेकर उतना ज़्यादा वो अब नहीं है. उसको भी सारी चीज़ें बेकार लग रही है. उसको सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए? अपने पेरेंट्स चाहिए. तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर किया इसके एक्सप्लेनेशन के इसके डिफिकल्ट वर्ड मीन्स भी डिस्कस किए जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. आप उनके
आंसर, जो इसके क्वेश्चन हैं चैप्टर के, आप उनके आंसर्स फाइंड आउट कर लीजिए। कहीं कोई डिफिकल्टी लगती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप पूछ सकते हैं।